Hello everyone, welcome to Motivational Medicos. My name is Fulkir Gupta, and in this video, we are going to talk about the constrictor muscles of pharynx. See, this question is very important as a university point of view. So without wasting time, let's get started. So there are three constrictor muscles in our in the pharynx region. It is superior constrictor, middle constrictor, and the inferior constrictor.

सबसे पहली चीज जो ये जो मसल है आप देख सकते ये वाली मसल ये है हमारी सुपीरियर कॉन्सेप्टर अभी कहाँ कहाँ अटैच है सो so, एक सेकंड में ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूं हाँ तो देखिए जो सुपीरियर कॉन्सेप्टर है वो यहां पे अटैच है ये जो रीजन है इसे कहते हैं टेरीगोड हेमुलस तो so, सबसे पहली चीज जो है, है हेमुलस से ऑरिजन दूसरा है टेरिगो मैंडिबुलर रेफे ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये है हमारा टेरिगो मैंडिबुलर रेफे और जो थर्ड जहां से ऑरिजिन हो रहा है वो आप देख सकते हैं इस वाले रीजन से मतलब ये है आपका क्या कह सकते हैं इसे हम कहेंगे मिडिल सरफेस ऑफ द मैंडिबल एट द अपर एंड ऑफ माइलोहाइड लाइन और जो लास्ट है वो बेसिकली क्या होगा देखो ओरल कैविटी है तो यहाँ पे टंग होगा तो टंग का कौन सा पार्ट पोस्टीरियर पार्ट सो साइड ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग ओरिजिन uh, होगा और सबसे बड़ी चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो इन सबका इंसर्शन है चाहे सुपीरियर हो चाहे मिडिल हो चाहे हो इन तीनों का जो इंसर्शन है वो एक ही जगह पे और आप देख रहे हैं वो इस सीधी, पे। और ये, जो सीधी जा रही है। ये कुछ नहीं ये इसका नाम है मीडियन फाइबर इट इज मीडियम फाइबर मीडियन फाइबर

वो है हमारे पास मिडिल कॉन्सेक्टर सो जो मिडिल कॉन्सेक्टर है आप देख वो कहा so, उसका एक तो है आप देख सकते हैं यहां से ये यह क्या चीज है so, है तो ये लिगामेंट जा रहा है कहां से जा रहा है ये देखिए प्रोसेस से और कहा तक जा रहा है हायोड बोन तक ये हमारी हायोर्ड बोन है तो स्टाइल प्रोसेस हायोड बोन तक कौन सा लिगामेंट जाएगा इस लिगामेंट का नाम है इस लिगामेंट का नाम है स्टाइलो हायोड लिगामेंट स्टाइलो लिगामेंट। so, इसका पहला जो होगा ऑरिजिन वो क्या है लोअर पार्ट ऑफ द स्टाइलो दायड लिगामेंट दूसरी चीज आप देख सकते हैं हायोर्ड बोन से भी अटैच है और कहा से ये होता है आ, बेसिकली क्या लेसर कॉर्नो हायर्ड बोन का लेसर कॉर्नो so, इसका अटैचमेंट और कहां पे होगा लेसर कॉर्नो ऑफ दायड बोन और ऑल्सो अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर कॉर्नो से भी इसका अटैचमेंट होता है तो आप याद रखें एक तो स्टाइलो लिगामेंट के लोअर लोअर बॉर्डर पार्ट से लेसर कॉर्नोज ऑफ और और ग्रेटर ऑफ हाइरो से और इंसर्शन सबका सेम है क्या है वो मीडियम फाइब्रस रेफे इसके बाद जो थर्ड मसल है जो थर्ड मसल है बेसिकली जो इंफीरियर कॉन्स्टेक्टर है जो इन्फीरियर कॉन्स्टेक्टर होती है हमें उसके बारे में एक चीज देखनी है कि इंफीरियर कॉन्स्टेक्टर के दो पार्ट होते हैं ियर कंस्ट्रक्टर है इसके दो पार्ट है एक है थायरो फेरेंजस था मतलब से जुड़ा होगा थायरो फेरेंजस फेरेंजियस और दूसरी कौन सी है क्रिको फेरेंजियस इट इज क्रिको फेरेंजस So, दो मसल्स हैं एंड थारोजस एंडोफेरेंजस सो इनफीरियर कंस्ट्रक्शन के दो पार्ट अब क्यों ये दो पार्ट है सो so, देखिए आप देख सकते हैं ये जो मसल है ये जो मसल है ये है हमारी इनफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर अब जो ये मसल है आप देख सकते हैं कहां से अटैच है ये आगे है, हमारे आगे है ये है सॉरी आवर था, दिस इज आवर ग्लैंड और इसके नीचे हमारा क्रिकोइ कार्टिलेज भी तो क्रिकोइ और थारुड, थारुड से दोनों से अटैच है तो से से भी प्रार्थ प्रार्थ और से भी और है देखिए ऊपर ये पे है ये वाला रीजन देखिए सो तो क्या होता है जो thyroid ग्लैंड है उसमें एक ऑब्लिक लाइन होती है तो उस ऑब्लिक लाइन के से अटैच है थायरॉइड कार्टिलेज के और कहाँ से अटैच है थोड़ा सा जो thyroid ट्यूबरकल से क्रिकोइ तक स बैंड है वहाँ पे है और जो थर्ड रीजन है जो हम कह रहे से तो ये वाला रीजन है एक कही है तो आ, वो वो क्रिको, है, है? तो वो होगा से से और पे पे ये थी तीनों हमारी कॉन्स्ट्रक्टर मसल सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर अब हमें देखनी है इनकी नर्व सप्लाई तो नर्व सप्लाई सबकी सेम ही है और वो क्या है

कॉस्ट्रेक्टा मसल्स ऑफ द फैरैक्स सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू गाइज